Hey, good morning guys, Praful here, welcome back, thanks for joining in, I hope you guys are enjoying your weekend. So, जैसे आपको पता है, last weekend से मैं Options 101 का basic video series शुरू किया हूँ, जहाँ पे we'll gradually build our knowledge from the basics of the options, पूरा basic से शुरू करेंगे and we try to reach the advanced level through different stages, ठीक है, तो this is the second video, first video में हमने बात की है कि delta के बारे में, how to interpret delta in three different ways, so if you haven't watched that video, I'll link it up here and you can go and watch it, so before starting this video ना, I have two things to address, the first thing is 99% हमारे चैनल पे हमारे कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, कोई नेगेटिव कमेंट्स डालना या कुछ तो इधर उधर की बातें करना वैसे करते नहीं है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा आके कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है, उल्टा सीधा बोल के चला जाता है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इज यू गाइज गैंग अप ऑन सच पीपल जो आके यहाँ पे नेगेटिविटी स्प्रेड करने को ट्राई करते हैं ना, उसको आप लोग आके गैंग अप कर लेते हो एंड आप अपना अपने तरीके से अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे देते हो एंड दैट्स रियली गुड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस, बट आपका भी खुद का टाइम वेस्ट मत करो यार, वैसे लोग ना आते रहते हैं तो कितना भी उनको रिप्लाई करेंगे हमारा खुद का टाइम वेस्ट होगा एंड इट डजेंट सर्व अ पॉइंट, वो लोग है हेट करने को, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अपने लाइफ से, कुछ ना कुछ मतलब भड़ास निकालने के लिए, कुछ ना कुछ वेंट आउट करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढते रहते हैं, एक आउटलेट ढूंढते रहते हैं, सो दे विल डू इट, ठीक है, आप जितना कर सकते हो करो, उसके बाद छोड़ दो, अपना भी टाइम वेस्ट मत करो, सीखने में टाइम लगाएंगे एंड कुछ करने में टाइम लगाएंगे, ऑलराइट, दैट इज वन थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज कोई बंदा ए भी बोला कि मतलब कमेंट्स के नीचे कुछ व्हाट्सएप नंबर डाल रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि लाइक दैट्स माय व्हाट्सएप एंड समवन्स देयर टू हेल्प यू गाइस लाइक ऑन व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं अभी तक किसी को व्हाट्सएप नंबर नहीं देता हूं एंड आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, तो इंस्टाग्राम पेज यहां पे है, देख लो, प्रफुल कुलकर्णी नाम है, वहां पे अगर आप टेक्स्ट करते हो तो वहां पे मैं रिप्लाई करने को ट्राई करता हूं, उसके अलावा मैं कोई टेलीग्राम पे नहीं हूं, कहीं पे भी व्हाट्सएप पे मेरा कोई किसी को नंबर अभी तक नहीं देता हूं, ठीक है, सो दैट इज वन थिंग एंड आई होप दैट यू गाइस आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड दैट दोस पीपल आर स्कैमस्टर्स एंड दे आर ट्राइंग टू रिप यू गाइस ऑफ, ऑलराइट, ये दो चीजें बोलना था एंड शुरू करते हैं गाइस, लाइक टुडेज कॉन्सेप्ट इज गामा, तो क्या होता है गामा, एक्सपायरी डेज पे आप ट्विटर पे तो देखते हैं कि गामा मूव्स, गामा स्कैल्पिंग, गामा स्पाइक्स, क्या होता है, लाइक विल ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है, शुरू करते हैं गाइस, आई विल टेक यू टू द स्क्रीन, ऑलराइट गाइस, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डेल्टा क्या है, डेल्टा का थ्री इंटरप्रिटेशन होता है, राइट, सो विल जस्ट हैव अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ व्हाट डेल्टा इज, डेल्टा मींस थ्री इंटरप्रिटेशन है, तो पहला इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर स्पॉट और अंडरलाइंग एक्स से मूव करता है तो कितना आपका ऑप्शन प्राइस मूव करता है, सो दैट इज वन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा, एंड अनदर थिंग इज जो स्ट्राइक प्राइस है उसका इन द मनी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज ऑल्सो डेल्टा, सो एंड द थर्ड थिंग इज हेज रेशियो, हेज रेशियो क्या होता है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दिस ऑप्शन पोजिशन यू नीड टू टेक इन ऑर्डर टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज the effect of the underlying, मान लो underlying 100 points move होगा and उस 100 points को आपको लगता है कि अगर 100 points मेरे against move हुआ तो भी मेरा position पे बिल्कुल zero effect होना चाहिए, तो in order for that to happen, how much quantity of the put option or a call option, whatever, short करोगे या buy करोगे, कुछ भी हो सकता है, so आप कितना quantity इस option को ले सकते हैं, that also is signified by delta, ठीक है, अब बात करते हैं गामा के बारे में, किसके बारे में, गामा के बारे में, तो व्हाट इज गामा, लास्ट वीडियो में हमने ये समझ लिए कि एट द मनी ऑप्शन का जो डेल्टा रहता है 0.5 रहता है, तो जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी चलते जाएंगे द डेल्टा कीप्स रिड्यूसिंग एंड इट टेंड्स टू गो टू जीरो, सिमिलरली जैसे जैसे इन द मनी हम चलते जाएंगे, जैसे जैसे इन द मनी हम चलते जाएंगे द डेल्टा कीप्स इंक्रीजिंग एंड इट टेंड्स टू गो टू वन, एंड फ्यूचर का जो डेल्टा है दैट इज वन, ये तो समझ में आ गई, नाउ निफ्टी इज एट 15700, लेट्स टेक 15700 कॉल विच इज एट द मनी ऑप्शन जिसका डेल्टा है 0.5, करेक्ट, अब लेट्स से द मार्केट हेड्स हायर बाय 50 points, मार्केट गया 15750 पे, तो नाउ दिस सेम ऑप्शन 15700 कॉल जो है, सो इट इज नॉट एट द मनी, ये क्या हो जाता है, इट इज स्लाइटली इन द मनी, इसका डेल्टा कितना होना चाहिए, 0.5 से कुछ तो ज्यादा होना चाहिए, कुछ तो,
कितना होगा वो पता नहीं, कुछ तो ज्यादा होना चाहिए, राइट? सो दैट इज, लेट से ये बन गया 0.6 डेल्टा बन गया. लेट से मार्केट फिर से 15800 को चला गया. अगेन योर 15700 कॉल ऑप्शन इज स्टिल इन द मनी, थोड़ा और इन द मनी हो गया. सो नाउ दिस ऑप्शंस डेल्टा विल बिकम हाउ मच, हमने यहां पे सीखे है ना. नाउ 15800 को चला जाता है मार्केट. नाउ आर 15700 कॉल इज स्टिल इन द मनी, लेट से इट बिकम्स 0.68, सम आर्बिट्ररी नंबर, ठीक है. सो लेट से द मार्केट फॉल्स टू 15650. अभी हमारा 15700 का जो कॉल है दैट बिकम्स स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, राइट? करेक्ट ना? 15650 मार्केट अगर 15650 को गया तो हमारा 15700 का कॉल स्लाइटली आउट ऑफ द मनी बन जाता है. सो इसका बन जाता है मान लो 0.43. इट्स नॉट द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि मतलब कम हो जाता है डेल्टा, इसका कम हो जाता है. इफ मार्केट गोज टू 15600, आवर 15700 कॉल इज स्टिल आउट ऑफ द मनी. लेट्स से बन गया ये 0.37, 0.38, करेक्ट? सो दिस चेंज इन डेल्टा जो है, यहां से इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 0.07, करेक्ट? एंड इससे इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 0.05. सिमिलरली ये 0.6 से 0.5 का डिफरेंस कितना हो गया, 0.1, एंड 0.68 से 0.6 का डिफरेंस कितना हो गया, 0.08. दिस माय फ्रेंड्स इज व्हाट इज गामा. ये है गामा, मतलब क्या है, गामा इज द चेंज इन डेल्टा, डेल्टा कितना चेंज हो रहा है एज द स्पॉट मूव्स, ठीक है. सो व्हाट इज गामा, द गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, डेल्टा कितना फास्ट चेंज हो रहा है इज व्हाट गामा मींस. अगर आप इंजीनियर हो या कुछ साइंस पढ़े हो तो यू अंडरस्टैंड द डेरिवेटिव, राइट? डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, डीटी बाई डीएक्स, डीएक्स बाई डीटी, कुछ तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ समथिंग. सो इफ डेल्टा इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, गामा इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. मतलब अगर आपको सिंपल सी चीज में एक्सप्लेन करना चाहूं तो डेल्टा इज लाइक स्पीड एंड गामा इज लाइक एक्सेलरेशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है. अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ गई तो छोड़ दो, अगर जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, अगर जिसको समझ में नहीं आ गई कोई प्रॉब्लम नहीं, विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे गोइंग अहेड, ठीक है. अब हम देखते हैं कि डेल्टा कितना हो सकता है. 29 जुलाई का एक्सपायरी हम लेंगे तो एट द मनी ऑप्शन है 15750 पे है, मैं 15700 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. नाउ दिस इज द पुट डेल्टा एंड कॉल डेल्टा, इसके जो बगल बगल में है ना, दीज आर पुट डेल्टा एंड कॉल डेल्टा. तो अभी समझते हैं कि यहां पे कॉल डेल्टा कितना है 50, पुट डेल्टा कितना है 49.66, ठीक है. नाउ लेट्स सी वेयर द 0.3 डेल्टा ऑफ कॉल इज, 0.3 डेल्टा कहां पे है, समथिंग हियर 16,000 बन जाता है 0.3 डेल्टा, ठीक है. विल राइट इट हियर, विल राइट इट हियर. मार्केट इज एट 15750, ओके. द डेल्टा ऑफ दिस इज 15750 कॉल का डेल्टा जो है, 15750 कॉल का जो डेल्टा जो है इट इज 0.5. 16,000 कॉल का जो डेल्टा है वो 0.3 बनता है. वेयर विच वन, 16,000 पे 0.3 डेल्टा बन जाता है. 16,200 का जो कॉल का जो वैल्यू है वो कितना होता है, वो 15 डेल्टा है, दैट इज 0.15 बनता है. 16,200 कॉल का जो डेल्टा है दैट इज 0.5. अब देख रहे हो ना, एज वी मूव अवे फ्रॉम द स्पॉट द डेल्टा कीप्स डिक्रीजिंग एंड इसका जो चेंज है दैट इटसेल्फ इज गामा. अब एक्सपायरी डेज में ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, गामा का कुछ डिफरेंट वेरिएशंस ये वो कुछ है नहीं, मतलब दूसरे दो दो पर्सपेक्टिव्स के साथ अंडरस्टैंड करने का कुछ है ही नहीं. गामा इज प्लेन सिंपल, इट इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द प्राइस, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा. अब हम समझते हैं कि एक्सपायरी डे में प्राइस ऐसे कैसे मूव करता है. आपने देखे रहेंगे ना, ऑप्शंस प्राइस ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, किसी तो जो एक्सपायरी डे में सडनली ऐसे मूव कर देता है. ये पॉइंट जो है, व्हाई डज इट हैपन, ठीक है. अब देखो 0.3 डेल्टा एट द मनी होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मार्केट हैज टू मूव फ्रॉम 15,750 टू 16,000, तब 16,000 एट द मनी बन जाएगा, तब इसका डेल्टा कितना बनेगा, 0.5 बनेगा. इफ मार्केट मूव्स फ्रॉम 15,750 से लेके 16,000 अगर चला जाता है, देन
द 16,000 कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है इट मूव्स फ्रॉम 0.3 टू 0.5, करेक्ट। तो ये एट द मनी, ये 16,000 कॉल ऑप्शन जो है वो एट द मनी होने के लिए मार्केट हैज टू मूव 250 पॉइंट्स, तब आपका डेल्टा जो है धीरे 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 बढ़ के 0.5 बनता है। ये 16,000 कॉल ऑप्शन इनिशियली अभी फिलहाल उसका डेल्टा 0.3 है, एंड अगर इसका डेल्टा 0.5 होने के लिए क्या होना चाहिए, 16,000 हैज टू बी एट द मनी। एट द मनी होने के लिए मार्केट को कहां आना चाहिए, 16,000 पे आना चाहिए। तो 16,000 पे आना बोले तो कितना पॉइंट्स ट्रैवल करना चाहिए, इट हैज टू ट्रैवल 250 पॉइंट्स। जब मार्केट 250 पॉइंट्स मूव करती है तब इसका डेल्टा बन जाता है 0.3 से 0.5। अगर 16,200 कॉल, ठीक है, अगर ये इसका डेल्टा एट द मनी होना चाहिए तो कितना पॉइंट्स मूव करना चाहिए, मार्केट हैज टू मूव 450 पॉइंट्स। जब मार्केट 450 पॉइंट्स मूव करता है तब इसका डेल्टा 0.35 चेंज होता है। अब देख रहे हो, तो मार्केट नीड्स दिस। इतना स्लो क्यों चेंज होता है मार्केट, इतना स्लो डेल्टा क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि द एक्सपायरी इज सो फार। कौन सा एक्सपायरी है, 29th जुलाई की एक्सपायरी है, मतलब मार्केट के पास इतना टाइम है, तो दैट्स व्हाई देयर वोंट बी एनी गामा इफेक्ट, ठीक है। अब एक्सपायरी डे पे कैसा रहता है, लेट्स से मार्केट 15,750 पे है, ठीक है, मार्केट 15,750 पे है, स्पॉट लिख देता हूं, ऑन एक्सपायरी डे मार्केट इज एट 15,750। अब 0.3 डेल्टा कहां पे रहता है पता है, 15,800 कॉल जो है, 15,800 कॉल जो है उसका डेल्टा कितना रहता है, उसका डेल्टा रहता है 0.2 और उससे कम। 15,850 कॉल का डेल्टा कितना रहता है, इट समवेयर अराउंड 0.05 या उससे भी कम, 0.05 रहता है, राइट। मान लो मार्केट जस्ट 50 पॉइंट्स मूव कर लिया, मार्केट बन गया 15,800 के पास, तो इसका डेल्टा कितना बन जाता है, ऑब्वियसली 0.5 बन जाता है। एंड मान लो मार्केट 100 पॉइंट्स मूव कर लिया तो इसका डेल्टा कितना बन जाता है, 15,850 कॉल का डेल्टा कितना बन जाता है, इट ऑल्सो बिकम्स 0.5। आप देख रहे हैं 0.2 से 0.5 बन गया डेल्टा, मतलब 50 पॉइंट भी अगर मार्केट मूव कर देता है द डेल्टा सडनली शूट्स अप बाय 0.3। यहां पे कितना टाइम चाहिए था, 250 पॉइंट्स मूव करने से 0.2 डेल्टा बढ़ा, राइट। मार्केट 15,750 से 16,000 जाने के बाद डेल्टा बन गया 0.3 से 0.5, यहां पे सिर्फ 750 से 800 ही चला गया तो डेल्टा बन जाएगा 0.2 से 0.5। मतलब अब देख रहे हो व्हाट इज गामा, गामा इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो गामा कितना फास्ट चेंज हो जाता है, करेक्ट। सिमिलरली मान लो मार्केट एक 70-80 पॉइंट मूवमेंट देकर 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, 15,750 से 15,850 को आ गया, तो क्या हो जाता है, दिस 15,850 कॉल ऑप्शन विल बिकम एट द मनी। जो डेल्टा, जिसका डेल्टा 0.05 था वो कितना बनेगा, 0.5 बनेगा, मतलब द डेल्टा इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स बढ़ जाता है डेल्टा, बिकॉज मार्केट के पास एक्सपायर होने के लिए काफी कम टाइम है। सो द डेल्टा कैसे कैसे होता है, तो अभी फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं, 29th एक्सपायरी का डेल्टा हमने देख लिए, वीकली एक्सपायरी का देखते हैं, वीकली एक्सपायरी का देखते हैं 0.3 डेल्टा कहां पे, 15,850 पे भी नहीं है, 15,850 पे ऑलरेडी 0.26 आ गया, 15,950 के आसपास ऑलरेडी 0.15 डेल्टा आ गया। मतलब जितना आप नजदीक जाते जाते हो, एज यू मूव क्लोजर टू द एक्सपायरी द डेल्टा बिकम सो लेस, इवन इन द क्लोज टू एट द मनी ऑप्शन, नियर द मनी ऑप्शन में भी डेल्टा काफी कम रहता है। जस्ट 100 पॉइंट दूर का जो ऑप्शन रहता है ऑन थर्सडे इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इसका डेल्टा काफी कम रहता है। तो मार्केट अगर एक 50-60-100 पॉइंट्स मूव कर देता है विच इज वेरी कॉमन, इसका डेल्टा जो है 0.05 से 0.5 इमीडिएटली बढ़ जाता है। अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो वॉच दिस क्लिप, ठीक है, यहां पे देखो, ओके क्लिप देख लिए ना, सो दिस इज अ क्लिप फ्रॉम द मूवी रश, रश करके, रश नाम का मूवी है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूवी, आई थिंक इफ यू हैवंट वॉच्ड इट वॉच इट, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। तो यहां पे क्या है, बंदा कार चला रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल स्पीड पे चला रहा है, आराम से चला रहा है, स्पीड एक स्पीड से जा रहा है कार, तो लड़की बोलती है आई वॉन्ट टू सी यू ड्राइव फास्ट, फास्ट चलाओ मुझे देखना है। तो बंदा क्या करता है, इमीडिएटली गियर चेंज करके एक्सिलरेट करता है,
जब एक्सेलरेट करता है, आई थिंक यू सॉ लाइक हाउ दे मूव बैक, वो जो पीछे जो जाते हैं, वो जो झटका लगता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन मिलते हैं उसके इफेक्ट से वो पीछे जाते हैं। सिमिलरली सेम चीज गामा में होता है, जब मार्केट एक नॉर्मल पेस पे चलता रहता है, सडनली 50 पॉइंट का मूव दैट टू क्लोज टू एक्सपायरी आ जाती है, तो तब क्या होता है, इमीडिएटली डेल्टा शूट्स अप, सडन एक स्पाइक आ जाता है, तो दैट इज व्हाई वी सी मूव्स लाइक दिस। ऐसा जो मूव मैंने बताया यहां पे, ऐसे कार नॉर्मल स्पीड पे चलता रहता है, सडनली एक्सेलरेट करता है तो गामा बढ़ जाती है, दिस इज व्हाट द गामा स्पाइक दैट इज क्लोज टू एक्सपायरी, गामा स्पाइक का होता है तो मार्केट में गामा स्पाइक्स कॉमन हो जाता है एक्सपायरी में। दैट्स व्हाई आप देखते हैं कि 2 रुपए का जो ऑप्शन रहता है इमीडिएटली 30 रुपए तक चला जाता है, 5 रुपए का जो ऑप्शन रहता है समटाइम्स इट गिवन गोज टू अराउंड 60-70 रुपीज। व्हाई दैट हैपेंस, दैट इज बिकॉज ऑफ द गामा मूव, मतलब एक्सेलरेट हो जाता है मार्केट, बिकॉज इनका जो डेल्टा है ये दे आर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, इनका डेल्टा काफी कम रहता है, एंड सडनली मार्केट एक 50 पॉइंट मूव करने से दिस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इमीडिएटली बिकम्स एट द मनी, तो उसका डेल्टा काफी बढ़ जाता है एंड द प्राइस सडनली एक्सेलरेट्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट गामा, गामा के बारे में कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दैट आई कुड गिव फॉर गामा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक्सप्लेनेशन एंड वो जो एग्जांपल जो दिया मैंने, अगर वो अच्छा लगा, आपको ऑन पॉइंट लगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाती कि हाँ भाई मैं ठीक तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड लोगों को मतलब समझ में आ रही है। ऑलराइट, सो ऑल दैट बीइंग सेड एंड डन, दिस इज अबाउट गामा एंड आई होप यू हैव अ गुड वीकेंड एंड आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे।